कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नक्षत्रों की दुनिया का एक छोटा सा एक हम चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो नक्षत्रों का वर्णन मिलता है, 27 नक्षत्र हैं, वो चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। शुरुआत के जो नक्षत्र हैं अश्विनी भरणी, दो के वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा नक्षत्र है, इसको कहते हैं कृतिका। कृतिका नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आता है और इसके दो चरण मेष राशि में होते हैं और दो चरण इसके वृषभ राशि में होते हैं। तो कृतिका के बारे में जानकारी देते हैं आपको कि कृतिका नक्षत्र जो स्वामी हैं इसके, वो हैं सूर्य देवता, और जो नक्षत्र के देवता हैं वो हैं अग्नि। नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है वो होता है उबर या उदुम्बर। राशि होती है इसकी, दो जो चरण होते हैं, एक चरण होता है इसका मेष राशि में और जो बाकी तीन चरण होते हैं इसके वृष राशि में आते हैं। इस प्रकार इसके कुल टोटल चार चरण होते हैं, एक जो चरण है वो मेष राशि में और उसके बाकी जो तीन चरण है वो वृषभ राशि के अंदर होते हैं। नक्षत्र का जो प्राणी है वो है बकरी। नक्षत्र का तत्व है अग्नि। नक्षत्र का स्वभाव थोड़ा क्रूर होता है, इसका आपको वेद मंत्र बताते हैं कि भरणी कृतिका नक्षत्र का वेद मंत्र क्या है। ओम अयम अग्नि सहस्रणो वाजसि शांति गवम वनस्पति मूर्ध्वा कवेरीणाम ओम अग्नये नमः। इसका एक पौराणिक मंत्र भी होता है, कृतिका देव तामाग्नि मेष वाहनम संस्थितम स्कुर्व स्तुभाभीति बरभद हस्तम नमाम्यहम। जो नक्षत्र के देवता का भी नाम मंत्र होता है ओम आग्नेय नमः, और नक्षत्र नाम का उसका भी एक मंत्र होता है ओम कृतिकाभ्यो नमः। इस प्रकार ये इसके मंत्र हैं, अगर किसी ने इनका जाप करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। बात करते हैं कि नक्षत्र कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, इसमें जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी। ये जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कौन सा कार्य उनके लिए अच्छा रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं कृतिका नक्षत्र, शरीर इनका सुगठित होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु लंबी होती है, घमंडी होते हैं थोड़े से, खाने पीने के लोभी होते हैं, कम खाते पीते हैं, उन्नतशील, मान सम्मान प्राप्त, उपकारी, समाज में विचरण करने वाले, क्रोधी, दुखी तथा गुस्सेल भी होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, छवि इनकी बहुत दबंग होती है क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य हमारे ग्रहों में राजा का स्थान प्राप्त है, तो ऐसे जो जातक होते हैं थोड़े से दबंग टाइप होते हैं। यद्यपि ये बुद्धिमान एवं सूझवान होते हैं परंतु लगातार किसी काम को करने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि दूसरा काम पकड़ लेते हैं और दूसरे के लिए बहुत अच्छे ही सलाहकार साबित होते हैं, पर अपने लिए जो सोचते हैं वही करते हैं। गलत ढंगों से ये मान सम्मान प्राप्त करना नहीं चाहते, ये अच्छे अगुवा होते हैं, प्रबंधक भी होते हैं। स्त्री जातक जो होती है थोड़ी सी ईगो वाली होती है, थोड़ी सी घमंडी होती है, किसी की बात को सहन नहीं करती हैं। इनका घर तथा बाहर का स्वभाव बन जाता है किसी की बात को सहन नहीं करने का। ये कम ही पढ़ी होती हैं, यदि पढ़ भी जाएँ तो अच्छी अधिकारी सिद्ध होती हैं। पुरुष जातक वायदे के पक्के होते हैं, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये एक स्वाभिमानी और ईमानदार व्यक्ति होते हैं। इनका जो गृह जीवन है बहुत अच्छा होता है, पत्नी गृह कार्य में दक्ष होती है, परंतु पत्नी का जो स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहता है, कई बार अलग अलग भी इनको आपस में रहना पड़ जाता है। माता की ओर से जातक को पूरा प्यार मिलता है, पिता व्यवस्थाओं के कारण इतना प्यार नहीं दे पाता। आरंभिक अवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं तथा परिवर्तन होते हैं, फिर भी हमारे अनुभव में ये देखने को आया है कि 22 से 36 वर्ष तक तथा 49 से 55 वर्ष तक बड़े अच्छे होते हैं। ये महत्वपूर्ण घटनाएं इनके जीवन में घटती हैं। विवाह इनका 25 वर्ष तक हो जाता है तथा प्रेम विवाह भी इनका होता है। ऐसे जो जातक हैं वो थोड़े से रसिक मिजाज भी होते हैं। स्त्री जातक का गृह जीवन इतना अच्छा नहीं होता, पति की ओर से पूर्ण सहयोग नहीं मिलता है, कई बार तो विवाह बहुत देर से होता है और विवाह होता ही नहीं है, कई बार ऐसे भी हालत बन जाता है। सॉरी, यदि विवाह हो जाए तो बच्चों के कारण
अथवा उनके अभाव के कारण इनको दुखी होना पड़ता है। शनिवार वाले दिन जन्मी जो कन्या होती है उनको विष कन्या कहा जाता है इसी नक्षत्र के अंदर। नेत्र के विकार, गले के रोग, गिल्टी, टॉन्सिल, नाक के रोग, दांतों के रोग, कम देखना, कम दृष्टि, पेट में गैस, बवासीर, एक्सीडेंट, घाव, ऐसे इनको परेशानियां जातक को अवश्य मिलती हैं। ये जो जातक हैं घर से बाहर ही ज़्यादातर उन्नति करते हैं। घर में इनकी उन्नति नहीं होती, जब घर से बाहर निकलते हैं इनकी उन्नति होती है। विदेशों में भी धन कमाते हैं। साझेदारी इनके लिए अच्छी नहीं होती है। इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, प्रबंधकीय अधिकारी, ऐसे कामों में ये लोग सफल होते हैं। मिलिट्री विस्फोटक सामग्री विशेषज्ञ तथा पुलिस अधिकारी भी बनते हैं। आर्मी में ये बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंचने वाले होते हैं। या राजनीति में जाएंगे तो इनको मंत्री पद तक प्राप्त हो जाता है। नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, ऐसे लोगों को माणिक धारण करना बहुत ही अच्छा रहता है। पुखराज 5.25 रत्ती सोने की अंगूठी, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उस रिंग फिंगर में इनको बृहस्पतिवार के दिन इसको पहनना चाहिए। और माणिक इनको कम से कम 5.25 रत्ती का रविवार के दिन जो अनामिका उंगली होती है उसी में पहनना चाहिए। या तो माणिक पहने या पुखराज पहने, या दोनों को कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, एक को राइट हैंड एक को लेफ्ट हैंड दोनों में पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये छोटा सा एक विशेषण आपके सामने कृतिका नक्षत्र का था। नक्षत्र की दुनिया आपके सामने है, देखिए कि नक्षत्र हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं और कितना इनसे हमारे भविष्य को एक मार्ग मिलता है कि हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, आचार विचार व्यवहार कैसा होता है, ये सब हमें नक्षत्र तय करते हैं। अगला जो नक्षत्र है आपके सामने रोहिणी, शीघ्र लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।